से कांकेर के लिए रवाना होंगे मनसुख मंडाविया और सुबह 10:15 बजे विधानसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। तो बड़ी खबर, दोपहर करीब 1:15 बजे राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंचेंगे और भाजपा तो आज कांकेर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, आज कांकेर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के दौरे का आज दूसरा दिन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगजीत हमारे साथ बने हुए हैं। जगजीत, मनसुख मंडाविया का दौरा कितना अहम माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए कांची, काफी अहम दौरा है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का आज ये बस्तर का दूसरे दिन का ये दौरा है और आज कांकेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री रहेंगे और लगभग 9:30 बजे जगदलपुर से कांकेर के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे करीब वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस लिहाज से कल एक बड़ी घटना घटती है, जहां प्रथम चरण के चुनाव होने हैं, वहां पास एक भाजपा नेता की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सरखेड़ा निवासी भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है और मोहला मानपुर चौकी में पूरा वारदात, ये जो घटना है वहां का बताया जा रहा है, बिरजू तामंग की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, घर में 9:00 बजे की घटना। और देखिए, उस बीच अब केंद्रीय जो मंत्री है मनसुख मंडाविया, वो बस्तर के दौरे पे है और तो काफी महत्वपूर्ण ये जो दौरा है उनका, और आज इन पूरे विषयों को लेकर के देखिए चर्चा भी होगी भाजपा नेताओं द्वारा, और उस पे ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं पे लगातार जो टारगेट किलिंग का जो आरोप लगाती रही है भाजपा, आज इस पूरे विषयों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो ये आज जो मनसुख मंडाविया का जो अहम दौरा है, इस पे क्या कुछ खास निकलता है ये तो उनके दौरे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे मतदान होने हैं, 1 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, तो 7 नवंबर वाले जो पहले मतदान जो की तिथि है उसमें ये काफी अहम माना जा रहा है। और उससे पहले अब देखिए